नमस्कार दोस्तों, makirasuisu.com में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम खजूर इमली की चटनी बनाएंगे। इससे चाट, गोलगप्पे, दही बड़े, इन सब का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं खजूर इमली की चटनी बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए है इमली 100 ग्राम, 50 ग्राम खजूर। दोनों को मैंने 3 घंटे पहले पानी में भिगो लिया था, ऐसे ही बस भिगो लिया और बीच बीच कुछ भी नहीं निकाले हैं। जब हम इसको थोड़ी देर पका लेंगे फिर हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे तो बीज अपने आप ही निकल जाएंगे। गुड़ है 100 से 150 ग्राम के करीब हम गुड़ या चीनी लेंगे। गुड़ से इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है इसलिए मैंने गुड़ लिया है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा और गुड़ ले सकते हैं। 1 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून खरबूजे के बीज हैं, पंचफोरन है 1/2 टीस्पून। पंचफोरन यानी कि सौंफ, जीरा, सरसों, कलौंजी और मेथी, इन पांचों का बराबर इक्वल मात्रा में जब हम मिला देते हैं तो इसे यूज़ करते हैं तड़के के लिए। ये होता है पंचफोरन। किसी ने मुझसे पूछा था कि पंचफोरन क्या होता है। अक्सर बंगाली खाने में यूज़ होता है और हमारे यहाँ अचार वगैरह बनाने में पंचफोरन का काफ़ी यूज़ होता है। तो पंचफोरन लेंगे हम 1/2 टीस्पून। 2-3 सूखी लाल मिर्चें लेंगे तड़के के लिए। 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून धनिए का पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक है और तेल लेंगे हम 1 टेबलस्पून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना खजूर इमली की चटनी। पैन गर्म कर लेते हैं और इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून तेल। पंचफोरन डालें और ये सूखी लाल मिर्च डालें। ये पंचफोरन हमारा क्रैकल कर रहा है तो हम डाल लेते हैं इमली, खजूर और ये गुड़। सब कुछ डालकर हम इसे मिक्स करेंगे। इसे एक बार चलाएं। लगभग इसमें मैंने 2 कप पानी यूज़ किया है, इससे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो सही रहेगी। अब हम इसे ढक कर जब उबाल आ जाएगा उसके बाद लगभग 15 से 20 मिनट धीमी आंच पर इसे अच्छी तरह से पकने देंगे ताकि इमली, खजूर, गुड़ सब कुछ मिक्स हो जाए और एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ढक्कन लगाकर उबाल आने तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे और जब उबाल आने के बाद हम इसकी आंच धीमी कर देते हैं और लगभग 15 से 20 मिनट इसे हम पकने देंगे जब तक कि इमली, गुड़ और खजूर सब कुछ पककर बिल्कुल स्मूथ पेस्ट की तरह ना बन जाए। तब तक हम इसे चेक करेंगे 15 से 20 मिनट में धीमी आंच पर, तब तक हम इसे पकने देंगे। चटनी को धीमी आंच पर पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं तो हम चेक कर लेते हैं पक गई है। इसकी कंसिस्टेंसी भी सही लग रही है। इसे मैंने बीच में थोड़ी थोड़ी देर पे चलाया और टेस्ट किया तो थोड़ा सा गुड़ मीठापन कम लग रहा था तो ग्रेट किया हुआ 2 टेबलस्पून गुड़ और डाला। तो अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं ताकि ये जो भी बीज और छिलका वगैरह जो भी है वो सब छन के निकल जाएगा। इसे ऐसे दबा कर छान लें पूरा। ये सब कुछ छान लिया मैंने, इसमें अब सिर्फ बीज, रेशे, छिलका यही सब बचा है। तो अब हम इसे हटा देते हैं और सारी चीज़ें बाकी जो हैं उसे मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें मिला दें, ये खरबूजे के बीज, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, धनिया और ये काला नमक, मिक्स करें अच्छे से। ये तैयार हो गई हमारी खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी। बहुत ही खट्टी मीठी चटपटी सी स्मेल आ रही है इसकी। इसे ठंडा करके आप किसी
कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, 2 महीने तक ये ख़राब नहीं होगी। हम इसे इस बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लीजिए, तैयार हो गई हमारी खजूर इमली की चटनी। इससे आप गोलगप्पे, चाट, दही वड़े का स्वाद बढ़ाइए। अगर आपने पहले भी ये रेसिपी खजूर इमली की चटनी बनाई है तो भी आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जानने वालों के साथ इसे शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें और देखते रहें माँ की रसोई से .com। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।